ये तुम एक एक घंटा पॉटी में बैठ के करते क्या हो? पॉटी करता हूँ और क्या करता हूँ? समझ नहीं आ रहा है, ऑफिस भी जाना होता है लेकिन एक घंटा तुम्हें पता नहीं पॉटी में क्या लगता है। वहाँ मुझे खुद से मिलने का मौका मिलता है, सब कुछ मेरी मर्जी से होता है, वहाँ जेट स्प्रे मेरी मर्जी से चलता है, फ्लश मेरी मर्जी से चलता है, मग्गा मेरी मर्जी से हिलता है, मकड़ियों को देखता हूँ, छिपकलियों को देखता हूँ, एकदम दिमाग मेरा शांत हो जाता है, शांति का अनुभव होता है, एहसास होता है शांति का। शांति कौन है? शांति तुम्हारी सोतन है, शांति और कौन है? तुम्हारे होते मुझे मिल थोड़ा ही ना सकती है, ना इस घर में आ सकती है। कल से ना काम करना, अपनी जो ये शांति है ना तुम्हारी, इससे कल से ऑफिस में मिलना, ये घर में बैठ के ना हमारा टाइम मत खराब करा करो, एक एक घंटा सुबह का इतना कीमती होता है, और चुपचाप बैठ के ना नाश्ता करके निकलो ऑफिस के लिए। अब समझ आया ऑफिस में एक एक घंटा पहले कैसे लोग पहुंच जाते हैं, खुद से मिलने, शांति का एहसास। शुगर बढ़ गई है, डॉक्टर ने फीकी चाय पीने को बोला है। अब मैं अलग अलग चाय नहीं बनाऊंगी, लड्डू खाकर पी लेना, फीकी लगेगी। भैरवी, गहने कोई फ्रिज में रखता है क्या? हाँ, मैं तो रखती हूँ। क्यों? बाने एक बार कहा था कि चकुड़ी ये मेरा हार मेरी साड़ी के साथ जमेगा, जरा देख तो। आई डोंट बिलीव दिस। तो हार जमेगा के नहीं ये देखने के वास्ते तुमने उसे फ्रिज में रखा? हाँ, साड़ी भी रखी थी क्योंकि बाने हार साड़ी के साथ जमता है कि नहीं ये देखने को कहा था, तो दोनों ही रखने पड़ेंगे ना। ब्रिलियंट, सुपर्ब, थैंक यू, नो रिटर्न। एक सेकंड भैया जी, आप मेरी बात सुनिए, ठीक है? दुख किसके लाइफ में नहीं है, मेरे लाइफ में भी दुख है। मैं आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ, देखो पिंपल्स जाने रहे, सैलरी आने रही है, महीने के बिल सर पे खड़े और मेरे पापा शादी के पीछे पड़े, लेकिन फिर भी ये जिंदगी जी रही हूँ मैं। तू जल्दी फटाफट जाके बच्चों की बैग तैयार कर। कौन सी बैग तैयार करूँ? ब्रीफकेस बैग, लैपटॉप बैग, स्कूल बैग, एयर बैग, सब्जी बैग, शॉपिंग बैग, हैंड बैग, कचरा बैग, आइस बैग, ग्लूकोज बैग या ट्रॉली बैग? इतनी चॉइस चकुड़ी? नहीं बा, ये है ना इस्तेमाल की हुई टी बैग। वेलकम टू भैरवीपुर। टी बैग का भैरवी, और वो भी इस्तेमाल किए हुए टी बैग का, मितेश प्रदेश के पिकनिक जाने से क्या लेना देना है? है ना भाई, एक बार बोली थी चकुड़ी बच्चे खेल के आए हैं, देख इनकी आंखें सूजी हुई है नींद ना मिलने के कारण, तो टी बैग को ठंडा करके इनकी आंखों पे लगा, आराम मिलेगा। राकिट था। हाँ मेरी माँ। इनको ये भजी कैसे लगे? अच्छे लगे, देख मजे से खा रहे हैं ये लोग तो। क्यों? क्योंकि ये मेरे ब्राह्मी आमला तेल में बनाए थे। हाय हाय, ब्राह्मी आमला तेल में? क्यों क्यों क्या क्यों? आप ही तो बोली थी कि चकुड़ी कढ़ाई में तेल डाल, मैंने पूछा कौन सा तेल, तो आप ही बोली कि कोई भी तेल डाल चकुड़ी। तो तूने सर में डालने के तेल में तले पकोड़े? हंस तो, वैसे तो इंजन ऑयल भी था लेकिन उसका डब्बा मुझसे खुला ही नहीं बा। घनचक करो की सरदार, ये लीजिए। हाँ। ये क्या, हिंदी को क्या हो गया भाई? हिंदी अखबार नहीं है तो तेलुगु है। हाय, तू तेलुगु अखबार लेकर आई? मैं हिंदी अखबार मिला नहीं मार्केट में। अरे पर बहन, मुझे तेलुगु पढ़ने नहीं आता है। हाँ बा, इसीलिए तो मैं ये किताब लेके आई हूँ, 30 दिन में तेलुगु सीखिए। क्या बात बिना ये डपोड़ेश्वरी, ये अखबार पढ़ने के लिए अभी ये तेलुगु सीखने बैठूंगी, ये सब छोड़। देखिए जी, उपवास करने से तन हल्का होता है और बकवास करने से मन हल्का होता है, इसलिए बकवास कीजिए और डिप्रेशन से बचिए। अपन अपन पसंदीदा लोगों से हरदम बकवास करते रहिए, मन बहुत हल्का होगा। जब कुछ नहीं समझ आए तो बकवास कर लीजिए।